बच्चों, चैप्टर वन के आखिरी लेक्चर में वेलकम। मैं उम्मीद करती हूँ कि पहले तीन लेक्चर्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आइए इस चैप्टर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया एंड डेंगी फीवर, मलेरिया और डेंगी बुखार। मलेरिया और डेंगी बुखार। मलेरिया और डेंगी जैसी बीमारियां मच्छरों के जरिए फैलती हैं। मलेरिया का मूजिब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम है। जब एनोफ्लीज मच्छर इंसान को काटता है तो प्लाज्मोडियम इंसानी खून में दाखिल हो जाता है। मलेरिया बुखार मच्छर से फैलता है, इसके सिम्टम्स और सेफ्टी मेजर्स को जानने के लिए आइए ये वीडियो देखते हैं। मलेरिया के बाद हम मच्छर से फैलने वाली जिस बीमारी का जिक्र करेंगे वो डेंगी बुखार है। डेंगी का सबब बनने वाला मच्छर अमूमन साफ पानी में पाया जाता है। इस बारे में मजीद जानने के लिए किताब का मुताला करते हैं। डेंगी बुखार और उससे बचाव, डेंगी फीवर एंड इट्स प्रिवेंशन। आपने वायरस का नाम तो सुना होगा। वायरस बहुत ही छोटी मखलूक है जिसे सिर्फ एक ताकतवर खुर्दबीन की मदद से ही देखा जा सकता है। डेंगी बुखार का बायस एक खास किस्म का वायरस है। इसके फैलाव का सबब एडीज मच्छर है जो साफ और खड़े पानी में परवरिश पाता है। एडीज मच्छर के जिस्म पर स्याह और सफेद रंग के निशान होते हैं। ये मच्छर आमतौर पर सुबह और शाम के औकात में काटता है। डेंगी बुखार का वायरस एडीज मच्छर के काटने से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है। एडीज मच्छर के काटने का अमल शक्ल 1:22 में दिखाया गया है। किसी शख्स के जिस्म में डेंगी वायरस की मौजूदगी का इल्म बीमारी की अलामत और खून के टेस्ट से होता है। डेंगी फीवर के बारे में जानने के लिए आइए ये वीडियो देखते हैं। We don't live in swamps or rivers, we live in your house day and night. We'll give you dengue fever when we give you a great big bite. We hate it when you spray, it's insect repellent we fear. Throw out that water, we're out of here. डेंगी फीवर
ग्रैनी के साथ हॉलिडे और अनइनवाइटेड गेस्ट। एक दिन ग्रैनी अपने छोटे से घर में अपने पसंदीदा मेहमानों का इंतजार कर रही थी। उन्होंने गुलदान में रंग बिरंगे फूल सजाए और साथ ही दरवाजे पर घंटी बजी। ग्रैनी, हम आ गए। वेलकम बच्चो। ओ टोनी, तुम कितने बड़े हो गए हो। टोनी कंप्लीट चिकन 10 मिनट में खत्म कर लेता है। देखे ग्रैनी, इसके पर भी निकल आए हैं। नो ग्रैनी, ऐसा नहीं है। मुझे पता है ऐसा नहीं है। कम ऑन बच्चो, अपने बैग बिठाओ और अंदर आ जाओ। मैंने आपको बहुत मिस किया ग्रैनी। आई मिस यू टू। और ऐसे वो सब दादी के छोटे से घर में दाखिल हो गए और देखने लगे कि यहाँ क्या बना है। वाह, ये क्या है। और उनकी नजर फूलों के गुलदान पर पड़ी। गुलदान बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन किसी को भी ये मालूम नहीं था कि उनके घर में पड़े गुलदान के अंदर खून से प्यार करने वाली मखलूक का घर है। ये मच्छर हेले और इसके खानदान का घर है, जो कि गुलदान के अंदर है, जिसे वो घर कहते हैं। तो बच्चों, किस किस को भूख लगी हुई है। मुझे मुझे मुझे। ग्रैनी बच्चों को कहानियाँ सुना रही थी। माइकल ग्रैनी को इनकी कहानियों का शुक्रिया अदा करने के लिए कोई तोहफा देने का सोच रही थी कि अचानक उसकी नजर फूलों पर पड़ी, जिसके अंदर मच्छर अफजाइश पा रहे थे। उसने फूल निकालकर ग्रैनी को दिए, जो कि गुलदान के अंदर मौजूद मच्छरों के लिए डिस्टर्बिंग चीज थी। ये आपके लिए ग्रैनी। बहुत शुक्रिया बेटा। ये जाने बगैर कि इन्होंने मच्छरों को तंग किया, जो कि अब इन बच्चों की शक्ल में अपनी खुराक देख रहे थे, वो अपने खेल में मसरूफ हो गए। मच्छर क्या करने जा रही हैं? बच्चों के साथ क्या होगा? और दादी के साथ मच्छरों को अंदाजा हो गया था कि उनके बाहर ताजा इंसानी खून मौजूद है, जिसको वो बआसानी पी सकते हैं। तो इन्होंने सोचा कि वो एक मंसूबे के तहत इस काम को अंजाम देंगे। ओके, गौर से सुनो सब। तुम में से एक दरवाजे पर जाएगा, दूसरा हमारे पीछे नजर रखेगा गाइस, और हम सब इनको पता लगाए बगैर खामोशी से इस काम को अंजाम देंगे। अटैक। तो इन्होंने खामोशी से उड़ना शुरू किया, जैसे किसी एयर शो में छोटे छोटे जहाज उड़ रहे हों, और सब के सब अपने शिकार की तरफ एक ही सिमत में जा रहे हों। आउच आउच, ये क्या हो रहा है। ग्रैनी को काफी सारे मच्छरों ने काट लिया और इनको सख्त बुखार हो गया, और बीमारी की वजह से अब वो बच्चों को कहानियाँ नहीं सुना सकती थी। थैंक यू डॉक्टर। बच्चों, ग्रैनी को एडीज डेंगी बुखार हो गया है। ये डेंगी बुखार क्या होता है। ये एक किस्म का बुखार है, जो कि खास किस्म के एडीज मच्छरों के काटने की वजह से होता है। ओ, पिछले हफ्ते हम पर मच्छरों ने हमला किया था। मम्मी, अब हमें ग्रैनी की हेल्थ के लिए क्या करना होगा। जिंदा रहने और छुपने के लिए हमें बेहतरीन जगहों का इंतखाब करना सीखना होगा, जहां हम तेजी से और बआसानी अपनी अफजाइश और अपनी तादाद में इजाफा कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगा कि काटने के लिए इंसानी जिस्म के कौन से हिस्से सबसे ज्यादा मुनासिब हैं। याद रखें, आखिर में खून का जायका जरूरी नहीं होता, काटने की ज्यादा से ज्यादा तादाद का ताल्लुक है। ज्यादा हम काटेंगे, ज्यादा लोग बीमार होंगे। यस मॉम, हम समझ गए। हम ग्रैनी को जल्दी ठीक होने में मदद करेंगे। सब ने मिलकर मच्छरों की अफजाइश की तमाम मुमकिन जगहों की सफाई की। वो सब अपनी फैमिली को मच्छरों से निजात दिलवाना चाहते थे। और सबसे अहम बात, किसी को भी हमें दूर ना फेंकने दें। ये क्या हो रहा है। नो नो। अब दादी, आपका घर मुकम्मल तौर पर मच्छरों से साफ है और डेंगू से भी पाक है। तो ग्रैनी, क्या अब हमें आप दोबारा कहानियाँ सुनाएंगी। तो इस तरह दादी के छोटे से घर में दोबारा खुशियाँ आ गईं। हाँ जरूर बच्चों, जरूर। ओके बच्चों, बैठ जाओ। और इस तरह दादी का घर खुशियों से भर गया। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डेंगू के बारे में बेसिक मालूमात हासिल हो गई होंगी। तो चलिए अब डेंगू के सिम्टम्स देखते हैं। डेंगी बुखार की अलामत। सिम्टम्स ऑफ डेंगी फीवर। शदीद सर दर्द और कह का आना। जल्द पर खराशों या सुर्ख और काले धब्बों का जाहिर होना। उमूमन नाक और मसूड़ों से खून का आना। तेज़ बुखार, कमर और जोड़ों में दर्द। आँखों के पीछे दर्द महसूस होना।
मेरा नाम किंता है। मेरी दोस्त आयशा काफी दिन से स्कूल नहीं आ रही। उसे मिलने गई तो पता चला वो बहुत बीमार है, उसे डेंगू हो गया है। डेंगू के अहम अलामत: जिस्म पर लाल निशान, मतली होना, जिस्म में दर्द। मैंने और मेरे दोस्तों ने फैसला किया कि हम अपने किसी भी दोस्त को डेंगू नहीं होने देंगे। हमने सबसे पहले अपने घर में छोटी छोटी जगहों पर इकट्ठा हुआ पानी दाया किया, खुले हुए पानी को ढांपा। जो लोग खुले फिजा में सोते हैं उनको मच्छरदानियां फराहम की। जिस्म को ढांपने के लिए पूरे आस्तीनों वाले कपड़े पहने। मच्छर मार लोशन लगाना शुरू कर दिया और हमने डेंगू से बचने का पैगाम अपने मोहल्ले में भी फैलाया। आओ मिलकर करें डेंगू का खात्मा। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डेंगू के बारे में बेसिक मालूमात हासिल हो गई होंगी। तो चलिए अब डेंगू के सिम्टम्स देखते हैं। हमें डेंगू मच्छर से खुद को बचाने के लिए कुछ हिफाजती इकदाम करने चाहिए। इन हिफाजती इकदाम को जानने के लिए किंजा की तरफ चलते हैं। मिल गया नया शिकार। कुछ मिला डेंगू किंग? बड़ी भूख लग रही है, वही है मेरा शिकार। जिस बच्चे ने पूरी आस्तीनों वाले कपड़े नहीं पहने। हमले के लिए तैयार हो? यस डेंगू किंग। अली, खुली फिजा में पूरी आस्तीनों वाले कपड़े ना पहनने से डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। हमें डेंगू के मच्छरों को अपने पास आने से रोकना चाहिए। आओ मिलके करें डेंगू का खात्मा। जी तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह किंजा ने अपने घर की खिड़की बंद करके मच्छर को अंदर आने से रोका। आप इसके बताए गए हिफाजती इकदामात पर अमल करके खुद को डेंगू से बचा सकते हैं। हिफाजती तदाबीर, सेफ्टी प्रिकॉशंस: घर से बाहर निकलते वक्त जिस्म के नंगे हिस्सों पर मच्छर भगाने वाला लोशन लगाएं, मच्छरदानी के अंदर सोएं, शक्ल 1:23, ऐसा लिबास पहने जिससे जिस्म का ज्यादातर हिस्सा ढांपा रहे, शक्ल 1:24, दरवाजों और खिड़कियों पर जालियां लगवाएं, सुबह और शाम के औकात में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, शक्ल 1:25। अगर आपके खानदान में किसी फर्द में डेंगू बुखार की अलामत जाहिर हों तो फौरन डॉक्टर या करीबी अस्पताल से रुजू करें। याद रखें, बरवक्त और मुनासिब हिफाजती तदाबीर से डेंगू बुखार को कंट्रोल किया जा सकता है। घर और गलियों को साफ सुथरा रखें, अपने आसपास की जगहों पर पानी खड़ा ना होने दें। एडीज मच्छर आमतौर पर साफ और खड़े पानी में अंडे देता है, इसलिए पानी की टैंकी, घड़े, ड्रम और जानवरों के पानी पिलाने वाले बर्तनों को ढांप कर रखें। गुलदानों और फवारों में से पानी को रोजाना निकाल दिया करें। अपने घरों में मच्छर मार स्प्रे, क्वाइल्स, मैट्स वगैरह का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स का आखिरी लेक्चर था। इख्तिताम की तरफ जाने से पहले एक बार पूरे चैप्टर का रिव्यू करते हैं। अहम नुकात: हमारे जिस्म के बहुत से हिस्से हैं जो अज़ा कहलाते हैं। आँखें हमें मुख्तलिफ चीज़ों को देखने में मदद देती हैं। कान हमें आवाज़ें सुनने में मदद देते हैं। दांत हमें खुराक को चबाने
यानी इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करने में मदद देते हैं। हड्डियाँ और पट्टे हमारे जिस्म को हरकत करने में मदद देते हैं। दिमाग तमाम जिस्मानी अफाल को कंट्रोल करता है। दिल जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून की तरसील का काम करता है। फेफड़े सांस लेने वाले अज़ा हैं, ये गैसों के तबादले में मदद देते हैं। जिल्द हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढांपती है। डेंगी बुखार का बायस एक ख़ास किस्म का वायरस है। डेंगी बुखार के फैलाव का बायस एडीज मच्छर है। एडीज मच्छर के जिस्म पर स्याह और सफ़ेद निशानात होते हैं। शदीद सरदर्द, तेज़ बुखार, जिस्म में दर्द, कह आना, नाक और मसूड़ों से खून आना डेंगी बुखार की अलामत हैं। अब हम कुछ सेक्शन की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पहला चैप्टर समझ आ गई होगी। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।